कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हिला के रख देंगे। स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को समझने में तो हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है जो अब तक सच हो चुकी है। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंकाने वाले तथ्य। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तत्व माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जीवित प्राणी ज्यादातर पानी से ही बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आयरन, लोहा। लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है, ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी। अद्भुत बात यह है कि ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें ये फैल गए। कुरान का लोहे की उत्पत्ति पर 57:25 आयत में कहना है, हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं मगर दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काइज प्रोटेक्शन, आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270°C होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर यहाँ के जीवन को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से ही बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान हमसे आसमान को समझाने के लिए 21:32 आयत में कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह द्वारा बनाया गया बताती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश की पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च से साबित होती है। नंबर 4, द माउंटेन्स, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का कोटा नहीं बनाया? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती में काफी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कोटे की तरह होते हैं और धरती के काफी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है और इसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक्स टेक्निक के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में थे, कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया। कुरान में 51:47 आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये तथ्य कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिख गए हैं कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 6, सन ऑर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में
खगोलीय विज्ञानी निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम खगोल वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21:33 आयत में आता है, वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों पहले तक कुरान को खगोल वैज्ञानिकों द्वारा गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा आज का विज्ञान एकदम सच साबित करता है। नंबर 7, द ओशियन, समुद्र। कुरान 24:40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। इसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हो, इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई ना दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चल रही है। हालांकि समुद्री वैज्ञानिकी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास यंत्रों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताती है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिले तारीफ नहीं है कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समुद्र की गहराइयों के अंधेरों को भी बयां करती है। आज के टाइम में भी इंसान बिना ब्रीथिंग इक्विपमेंट यूज किए केवल 70 मीटर गहराइयों तक ही जा सकता है। वहां तक कुछ रोशनी जरूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहां घनघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में रहस्य है। नंबर 8, लाइंग एंड मूवमेंट्स, झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में हुआ था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96:15-16 की आयत में फरमाया है कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बाज ना आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके मत्थे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठा और गुनहगार कहा है। ये आयत 2 वजह से बहुत खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन 20वीं सदी में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स आने के बाद ही हमें पता चले हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, पेन रिसेप्टर्स, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज। काफी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा है कि महसूस करना और दर्द का अंदाजा करने वाले टिश्यूज दिमाग में होते हैं। हालांकि ये बाद में खोजा गया कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज दिमाग में नहीं, हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं, और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुरान की 4:56 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, जब उनकी खाल जल जाएगी हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमानी भी है और बुद्धिमान भी। कुरान ने इस बात को 500 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज स्किन में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। ये खोज हाल ही में जीव विज्ञान में किए जाने वाली कई खोजों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कुरान में पाई जाने वाली कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर हम समय समय पर आते रहते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।